देखो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ऑल न्यू 2021 निसान टेरा इस कार के बारे में। यह एक मिड साइज एसयूवी कार है। इस कार के अंदर आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कार की जो कीमत है और इसके अंदर जो फीचर्स दिए जाते हैं वो तो आपको चौंकाने वाले है, तो उसके लिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। सबसे पहले इसके लॉन्चिंग के बारे में बात कर लेते हैं। निसान कंपनी ने इसको सबसे पहले 1999 में लॉन्च किया था। हालांकि कुछ कंट्रीज में इस कार को 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन आज भी इस कार को मिडल ईस्ट में बेचा जाता है और ये कार मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में तबाही मचा रही है, क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर का लुक है और इसके जो इंटीरियर के फीचर्स है बहुत ही कमाल के, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स इस कार के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करो तो इसके अंदर तीन इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं 2021 के मॉडल में, जैसे कि इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन दिया जाता है, इसके अलावा दो डीजल इंजन भी इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके अंदर कंपनी ने 2.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है जो कि लगभग 182 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। वही अगर मैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूँ तो आप इसका फ्रंट फीचर, रियर का प्रोफाइल और साइड का प्रोफाइल देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगता है। इसके फ्रंट फीचर में बहुत ही क्रोम का इस्तेमाल किया है, हालांकि इसके एक्सटीरियर में बहुत ही जगह पर क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके फ्रंट के ग्रिल्स के सराउंडिंग में वी शेप में दो क्रोम बार्स दिए हुए हैं, जिसकी मदद से इसके फ्रंट फीचर को एक प्रीमियम लुक आ जाता है। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको LED DRL देखने को मिल जाएगा। इसके LED DRL का डिजाइन भी काफी हद तक कमाल का है। न्यू डिजाइन LED हेडलाइट का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है। ड्यूल टोन फ्रंट के बम्पर्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये कार रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, तो ये भी काफी हद तक बढ़िया है। मतलब आप इस कार को ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने बॉडी कलर के ORBMs का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर का फीचर भी आपको मिल जाएगा। वही अगर इसके रियर फेशिया की बात करूँ तो रियर से भी ये कार दिखने में काफी तक जबरदस्त लगती है। न्यू डिजाइन LED टेललाइट का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है, रूफ माउंटेड स्पॉइलर, रियर वाइपर, इसके अलावा स्पोर्टियर ड्यूल टोन बम्पर का इस्तेमाल इसके रियर फेशिया में किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूँ तो मुझे तो इसका एक्सटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरह से इसका एक्सटीरियर डिजाइन है, सिमिलरली इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए हुए हैं, जैसे कि इसके इंटीरियर का जो थीम है वो आपको ड्यूल टोन कलर के साथ देखने को मिल जाएगा। और पर्सनली मुझे इस कार का जो व्हाइट कलर का थीम है इंटीरियर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके इंटीरियर में बहुत ही प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है, डैशबोर्ड के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, इसके अलावा सीट और अपहोल्स्ट्री के ऊपर, जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियम लुक आ जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया जाता है और निसान कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को निसान कनेक्ट का नाम दिया है। तो कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के तहत आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है। लेकिन इस कार के अंदर आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा और फॉर्च्यूनर के अंदर भी सनरूफ नहीं दिया जाता, तो इसका इंटीरियर भी लाजवाब है और इसका जो एक्सटीरियर का लुक है वो भी दिखने में काफी तक कमाल का है। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूँ तो निसान कंपनी ने इसको बहुत सारी कंट्रीज में डिसकंटिन्यू कर दिया है कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन आज भी ये कार मिडल ईस्ट में बेची जाती है। शायद अगले साल ये कार इंडियन मार्केट में आ सकती है और इस कार को फिलीपींस में बेचा जा रहा है। वहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा और सेम अमाउंट अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वो लगभग 22 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाती है। तो ये कार अगर 20 लाख या फिर 22 लाख या फिर 25 लाख के रेंज में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो डेफिनेटली ये कार इंडियन मार्केट में आने के बाद तबाही मचाने वाली है। लेकिन इंडिया के जो टैक्सेस है ना, उसकी वजह से इस कार की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी अगर निसान कंपनी इसको इंडियन मार्केट में लाती है। लाइक मेरे हिसाब से इस कार की कीमत 25 या फिर 30 लाख रुपये के ऊपर ही रह सकती है। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।